प्यारे बच्चों नमस्कार मैं अतुल पांडे अतुल्य जीएस तथा विपुल मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मैं फिर से कह रहा हूं अभी जो परीक्षाएं बीत गई पुलिस की परीक्षाएं बीत गई हम सभी बड़े ही हर्ष के साथ ये कह पाते हैं आपके साथ जुड़ पाते हैं कि जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हमने चर्चा में अपने विषय के अंतर्गत रखा था ठीक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन बात है हमारे और आपके लिए हर्ष की बात है कि जिन प्रश्नों को हम लोगों ने अपनी क्लासरूम्स में चर्चा का विषय बनाया वह प्रश्न एग्ज़ाम में आया ठीक है अगर हम इसको बड़ी तल्लीनता से सीरियसली अगर हम उसको लगातार लगातार अपने मन में बैठाए होते या बैठाए होंगे तो सफलता हंड्रेड परसेंट है हमें मिलेगी आपकी सफलता के साथ में ही आपकी सफलता के साथ ही मेरी मेहनत का फल भी मुझे मिलेगा ठीक है ना मुझे वो प्रसन्नता मिलेगी जो मैं अपने शब्दों के साथ बयान नहीं कर चलिए प्रियांशु सूरज सर सूरज कुमार आपका स्वागत है आप सभी का स्वागत है क्लास में आपका स्वागत है मैं आप आशा करता हूं सभी आ, क्लास को शेयर कर दीजिए क्लास को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके आज हम आज के दिन का प्रथम पाली का जो पेपर था उसके जी के प्रश्नों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे ठीक है ना चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि क्लास लग चुकी है ठीक है आप सभी जुड़िए आप सभी जुड़ जाइए प्रियांश आपका स्वागत है सभी लोग जितने लोग हैं सभी बच्चे एक साथ जुड़ जाएं, उसके बाद क्लास को शुरुआत किया जाए चलिए शुरुआत किया जाए कमेंट के माध्यम से आप बताएं क्लास को शुरुआत किया जाए या नहीं किया जाए चलिए बताइए भाई हाँ तो कमेंट देखना पड़ेगा सर पेपर अच्छा नहीं था कोई बात नहीं सूरज पेपर सब अच्छे होते हैं बेटा बस हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किन प्रश्नों के बारे में ज़्यादातर चर्चा किए या हमारे जेहन में हमारे दिमाग में कौन कौन से प्रश्न हैं पेपर सभी अच्छे होते हैं ठीक है चलिए जुड़ते जाइए आप लोग चलिए बारी बारी से मैं एक फिर से कह रहा हूँ आप सभी जुड़ जाइए लगातार जुड़ जाइए लोग जुड़ जाइए फिर आगे की चर्चा करते हैं चलिए हाँ चलिए जहां तक प्रश्नों की बात अगर हम करें कल की प्रश्नों से आज के प्रश्नों के बारे में यदि हम बात करें तो आज के प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आए थे वो थोड़ा सा कल की तुलना में थोड़ा सा कठिन थे डिफिकल्ट थे मगर उतना भी नहीं मगर हम चर्चा करेंगे उनके बारे में चलिए हाँ ये अपना दूरभाष केंद्र ली दूरपट्टिका प्रियांशु तिवारी प्रियांश आप सभी का स्वागत है कुमार सूरज जी आपका स्वागत है चलिए चलिए जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के साथ में हम सभी साथ में शुरुआत करते हैं शुभम हम नमस्कार भाई आपका स्वागत है क्लास में ठीक है चलिए आज अगर वस्तुतः देखा जाए तो क्लास की शुरुआत बड़े समय से हो गई है और आशा करते हैं कि आप सभी क्लास को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लोगों से लोगों तक इसकी पहुंच बनाएंगे ठीक है जुड़ते जाइए जुड़ते जाइए और लोगों को जोड़ते चलिए जितना ज़्यादा जोड़ेंगे चैन उतनी बड़ी बनेगी और चैन जितनी बड़ी बनेगी उतनी ही ज़्यादा सफलता की दर हमारी बढ़ती चली जाए ठीक है चलिए हम अभी तो आगाज है बेटा अभी तो आगाज है ये आपका भी और मेरा भी क्योंकि अभी तक हम उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे जिन क्षेत्रों तक पहुंच बहुत ही कम थी ऑफलाइन की पहुंच बहुत ही कम थी एक सीमित क्षेत्र तक हम अपने सुविधाएं पहुंचा पा रहे थे मगर यह इंटरनेट का एक ऐसा साधन है जहाँ तक हमारी पहुँच कोई सीमा नहीं है इसके माध्यम से हम असीमित लोगों तक पहुँच सकते हैं और उस असीमित लोगों तक पहुँचाने का कार्य केवल और केवल आप कर सकते हैं जितना ज़्यादा लोग को आप जोड़ सकते हैं जोड़िए फिर इसके पश्चात हम क्लास को शुरुआत करते हैं चलिए ऑर्डिनरी बॉय अनित प्रजापति आप सभी का स्वागत है इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट यू आप सभी से मेरा निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए क्लास ज्यादा जितनी शेयर होगी उतना ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा ठीक है चलिए ठीक शुरुआत किया जाए चलिए जय श्री खाटू श्याम की आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं आज का जो पेपर हुआ वो बच्चों के रुझान मिलने से सर मेरे पेपर में बड़े ही आ, टफ क्वेश्चन आए थे सर कल की पेपर की तुलना में आज का पेपर बड़ा ही हार्ड था ऐसे वस्तुत अगर देखे जाए तो कमेंट देखने को मिल रहे हैं मगर बेटा ध्यान रखना सभी पहलू सभी जो पग हैं वो सही सही आपके अनुरूप हों ऐसा जरूरी नहीं मगर हम जरूर कोशिश करेंगे कि अपने कदमों को उस अच्छे तरीके से आगे की ओर बढ़ाएं कि वह कठिन पग भी वह कठिन दौर भी हमारे आसान कदमों के कारण से सरल बन जाए ठीक है इन्हीं शब्दों के साथ में ज्यादा से ज्यादा ठीक है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा आपको उन प्रश्नों के साथ में जोड़ना चाहूंगा जो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की प्रथम पाली के सुबह के जो प्रश्न पत्र में आए जीएस के प्रश्न थे उनसे शुरुआत करते हैं प्रश्न पहला है आपका आज ये जीएस के 25 नंबर पे देखिएगा 25 नंबर के क्वेश्चन पे आपका आया था ये इसकी चर्चा की गई थी ध्यान दीजिएगा चलिए ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक तथा वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है राजस्व तथा अत्यधिक यह किस प्रकार के व्यय हैं जिसमें सरकार अपने वित्तीय मामलों को ध्यान से समझिएगा व्यय कौन सा है केंद्र सरकार का जो भौतिक तथा वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी करता है ध्यान दीजिएगा जवाब दीजिए प्रश्न आपके सामने है उसका जवाब दीजिए आज के प्रश्न पत्र में यह 25वें नंबर पे क्वेश्चन आया था इसको प्रश्न से आपको पीपीटी के माध्यम से कल क्या था इसकी समस्या क्या थी कल पेपर जूम करना पड़ता था बड़ा परेशानी हो रही थी जिसके कारण से हमने उस प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को एक पीडीएफ के माध्यम से पीपीटी के माध्यम से आपके सामने बड़े ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है ठीक है चलिए जवाब दीजिए किसी भी प्रकार का ऐसा व्यय जो केंद्र सरकार की भौतिक तथा वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है जवाब आपका है पूंजीगत व्यय ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए प्राचीन जैन तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे इसकी चर्चा जितनी बार हमने क्लास ली है जब महाजनपद पढ़ाया बार बार आपसे कहा कि इसको याद कर लीजिए उसमें कौन कौन से प्रश्न प्रमुख थे उनको चर्चा किया मगर देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रमुख महाजनपदों में से कितने महाजनपद अभी तक बात की गई है प्राचीन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दौरान और यह बात हो रही है कब छठवी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रही है कब बेटा छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान में यह बात की जा रही है ध्यान दीजिएगा जवाब दीजिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान में ये बात हो रही थी जवाब दीजिए क्वेश्चन है प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महा थे? कितने महाजनपद महाजनपद थे? थे? जवाब देखिए सोलह महाजनपद थे सोलह महाजनपद थे जिनमें से सबसे समृद्धशाली जनपद की बात की जाती है इसकी कौन है मगध साम्राज्य सबसे समृद्धशाली आपका माना जाता है ठीक है चलिए जुड़ते जाइए लोगों को शेयर करिए क्लासेस में जुड़िए क्या बात है भाई आज इतने लोगों की कमी क्यों देखी जा रही है पेपर खराब गया है सर इसलिए नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं मैं फिर से कह रहा हूँ पेपर को ख़राब और बुरा नहीं बोलते बेटा ध्यान दीजिएगा ठीक है चलिए सोलह महाजनपद सोलह महाजनपद थे उस दौरान में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन दिया गया था एक चीज की कमिश्नरी के अलावा ध्यान दीजिएगा फिर से कह रहा हूँ डीसीपी ये जो आपका होता है यह कमिश्नरी जिले लेवल का नहीं डीसीपी होता है पीएसआई जो पुलिस सब सब इंस्पेक्टर होता है ये भी आपका जिले स्तर का नहीं होता है यहाँ बात की जा रही है किस स्तर का जिले में सर्वोच्च रैंकिंग रखने वाला ए यह भी नहीं होता है ठीक है ना? नी कौन होता है एस जो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक आईपीएस आधि, ऑफिसर आधि, होता है जो जिले का पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जो जिले का पुलिस में सबसे बड़ा अधिकारी होता है लोगों तक हमारी पहुंच शायद आज नहीं बन पा रही है जिसके कारण से बच्चे साथ में जुड़ नहीं रहे हैं मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग क्लासेस को शेयर कर दीजिए लोगों को जगा दीजिए ठीक है तो प्रश्नों को आगे की ओर बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ठीक है ना ये आपका जो सब इंस्पेक्टर होता है वो थाने लेवल तक काम करता है ध्यान रखना बेटा और डीसीपी और एसीपी जो होते हैं वो कमिश्नरी लेवल तक काम करते हैं और हमें बताया गया हाँ ए एस जो होता है वो बड़ा होता है किंतु एस से बड़े होते हैं ये दोनों किंतु यह कमिश्नरी लेवल के होते हैं मंडल स्तर के होते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ था कि कमिश्नरी लेवल के अलावा इसलिए हमारा जवाब कौन सा होगा एस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है ध्यान रखिए कि बच्चे गलती करते क्या है इसको ध्यान नहीं देते और खरीफ की फसल देख कर किसी न किसी खरीफ की फसल को लगा के चले जाते हैं जबकि मैंने आपको बताया था कि रितुओं के अनुसार अगर ऋतुओं के अनुसार देखा जाए तो ऋतुओं के आधार पर फसल जो होती है वो तीन प्रकार की होती है रबी खरीफ और जायद ठीक है ना रबी की फसल जो होती है ये ठंडी के मौसम में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है इसको इसके बारे में आप सभी जानते हैं इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए रबी की फसल की सबसे अच्छी फसल देखिए तो गेहूँ है आपकी गे? ठीक है ना गेहूँ है खरीफ की फसल में आपके देखिए तीनों ऑप्शन आ जाते हैं सोयाबीन मक्का मूंगफली जितने भी आपको मिलते हैं ये सब खरीफ की फसल में आ जाते हैं जिसके कारण से आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो रबी की फसल का है वह खरीफ की फसल का नहीं है इसलिए जवाब आपका होगा गेहूं हम कभी कभी आसान पथ पर चलते हुए गिर जाते हैं और कठिन पथ पर बड़े ही आसानी से चल पाते हैं इसका महत्वपूर्ण कारण एक है कि हम उन पर ध्यान नहीं देते और ध्यान अगर भटका तो सरल पथ पर भी आपको गिरना पड़ सकता है इसलिए अपने ध्यान को एकदम एकाग्रचित रखिए बायोलॉजी स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है चलिए कुमार सूरज आप सभी का जवाब आना शुरू हो गया है चलिए गेहूं गेहूं क्या है रबी की फसल है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है ध्यान रखिएगा सभी बंदरगाह जो हैं वह आपके पूर्वी पश्चिमी तट के हैं मगर यहाँ पर बात हो रही है बेटा एक शब्द डाल दिया इसने कि कंटेनर बंदरगाह सबसे बड़ा कौन सा है ठीक है ना ध्यान दीजिएगा कंटेनर बंदरगाह सबसे बड़ा कौन सा है चलिए जवाब दीजिए कंटेनर बंदरगाह कौन सा सबसे बड़ा है लोग जुड़ रहे हैं फिर भाग रहे हैं अगर आवाज़ नहीं पसंद आ रही है कोई बात है इंटरनेट की समस्या है तो उस समस्या को आप शेयर करिए क्या बात है भाई लोग जुड़ नहीं रहे हैं चलिए नेक्स्ट क्लास में आइए आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका है कौन सा आंसर होगा जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई मैंने फिर से कहा यह जो है यह सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह माना जाता है ये बंबई में है नवी मुंबई में जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह ठीक है ना इसके अतिरिक्त जितने भी बंदरगाह आपको दिखाई दे रहे हैं वे सारे बंदरगाह एक गुजरात में है और एक कर्नाटका में है और एक कोची मतलब ठीक है ना चलिए जुड़ते जाइए लोगों को भी जोड़िए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बड़े ही सरल बड़े ही सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे बड़े ही सरल क्वेश्चन है इन सब पे चर्चाएं हुई उन्नीस निम्नलिखित में कि किस घटना के कारण से मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया आज हम आप कहेंगे सर आज, आज आप चेक नहीं कर रहे हैं कितने प्रश्न फंसे हैं मैं क्या चर्चा करूं जब इतनी चर्चा करने के बावजूद भी बच्चों के अंदर उत्साह नहीं आता बच्चों के अंदर आज सात सात बच्चे हैं अफसोस होता है इस बात को लेकर तो फिर क्या इम्पोर्टेंट और क्या ना इम्पॉर्टेंट तब धान बाईस फसेरी वाली तोलने वाली बात है तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता इंटरेस्ट नहीं जगता क्या बताएं कि आपको कौन सी बातें मैंने कहा पूरा पूरा का पूरा पेपर आया था मतलब ही नहीं है है तो उससे अच्छा है, आप अपने सवालों के जवाब ले लीजिए ठीक है ना वो इंटरेस्ट नहीं ला पाते आप आप अभी भी गायब हैं आज परीक्षा देने के पश्चात आप ये इतने ज्यादा फ्री हो गए होंगे रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे प्रथम पाली के प्रश्न, प्रश्न पत्रों को हल करने के पश्चात कि आप चाहें तो अभी की डेट में आप जुड़ सकते हैं किंतु परीक्षा हो गई तो लगता है कि सारी जिम्मेदारियां सारी चीजें अब खत्म यही अफसोस है ये यह, यह सबसे बड़ा अफसोस हमारा आपका है कि हम जब कभी किसी भी विवाद को लेकर अगर आश्वस्त होकर अगर परीक्षा के पश्चात अपनी तैयारी को बंद कर देते हैं हमें लगता है कि बस अब जब परीक्षा फिर आएगी तो पढ़ने की जरूरत है बेटा हम लगातार अनवरत मेहनत करेंगे तब चलेगा ठीक है ना किसी भी प्रकार की कोई भी आपको कॉस्ट नहीं देनी है किसी भी प्रकार का कोई अन्यत्र खर्च नहीं है केवल और केवल थोड़ा सा फ्रेश होकर अपने मुंह हाथ धुलकर आराम से बैठकर हमें पढ़ना है ठीक है ना मगर समझ में नहीं आता है अफसोस होता है इस बात को लेकर कोई बात नहीं है आप आइए कोई बात नहीं है निम्नलिखित में से किस घटना के कारण से मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने उन्नीस में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जवाब दीजिए कौन सा कारण था बंगाल का विभाजन था चौरी चौरा घटना थी लाला लाजपत राय लाठी चार की घटना थी या जलिया वाला बाग नरसंघार था जवाब दीजिए आपके जवाब के लिए ही हम बैठे हुए हैं जवाब दीजिए चलिए कोई बात नहीं है जवाब तो आना छोड़िए आप शांति से केवल बैठे हुए हैं चलिए सारी गलतियाँ मेरी है बेटा सारी गलती मेरी है ठीक है ना हम सभी गुरुओं की गलती है जो हम आपके लिए परेशान रहते हैं चलिए सर पेपर ठीक हो गया है क्या होने दो अगर होता है तो होने दो बेटा मगर मैं फिर से कह रहा हूँ आप उन विषयों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते जिन विषयों से हमारा तात्पर्य होता है हम उन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है अगर वो लीक होगा भी तो हम कुछ नहीं कर सकते ना आप कुछ कर सकते हैं ठीक है बेटा और अगर लीक हो भी गया होगा तो भी नहीं कर सकते तो अभी उसके लिए आप एकदम निश्चिंत तो होकर परीक्षा दे दिया है शांति से बैठिए और शांति से बैठने का तात्पर्य यह नहीं है कि लीक के बारे में सोचिए कि प्रॉब्लम हो क्रिएट रही है बल्कि ये सोचिए कि उस पर आपका किसी भी प्रकार का वश नहीं है ना आप कुछ कर सकते हैं मगर आप जो कर सकते हैं उस पर और आप कर क्या सकते हैं पढ़ाई ध्यान देकर मेहनत करके पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है उस पर विशेष ध्यान दीजिए ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ठीक है ना लीक जैसी कोई बात नहीं है बेटा किसी भी प्रकार से सरकार एकदम तटस्थ है परीक्षा को सुचारू रूप से कराने के लिए इसलिए हम किसी भी प्रकार से ये कह ही नहीं सकते अगर पेपर का बहुत ज़्यादा सबूत मिलेगा तभी परीक्षाएं किसी भी प्रकार की लीक मानी जाती हैं या उनके पेपर्स आउट माने जाते हैं ठीक है अभी किसी भी प्रकार की सरकार ने ऐसी संस्तुति या वक्तव्य जारी नहीं किया है इसका विशेष इस ध्यान दीजिएगा ठीक है ना चलिए कोई बात नहीं है इस पर ध्यान ना दीजिए पूजा जी अब सीधा सीधा एक बात ध्यान रखिए कि पढ़ाई पे ध्यान रखें कितना जादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है कौन सी घटना है बंगाल की विभाजन नहीं हो सकती बेटा क्यों क्योंकि 1905 में हुआ और बात कर रहा है ये की चौरी चौरा कांड की बात करें और अगर लाला लाजपत राय की बात करें तो 1928 के दौरान में साइमन कमीशन जब भारत आया साइमन कमीशन जब भारत आया तो उस दौरान में इन्होंने विरोध किया 1928 के दौरान में संभव नहीं है जलियावाला बाग हत्याकांड 1919 की बात कर रहा है ये 13 अप्रैल 1919 की बात कर रहा है जो संभव नहीं है इसलिए चोरी चौरा की घटना जो है वो 1922 में ही हुई थी गोरखपुर के पास कहाँ बेटा गोरखपुर के पास एक छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम है चोरी चौरा वहाँ के पास ही एक र... पुलिस का जो थाना होता है उसमें कुछ सैनिकों को उस पुलिस कर्मियों को बंद करके वहां के क्रांतिकारियों ने क्या किया जला दिया जिसका बहुत ज्यादा गांधी जी ने विरोध किया कि अहिंसा पे हम चलकर अपने आंदोलन को सफल बनाना चाहते हैं और आप उसे हिंसा में परिणित कर रहे हैं जो कि मेरे लिए दुखद है ठीक है कोई बात नहीं है जुड़ नहीं रहे हैं किस बात का गम है मुझे पता नहीं चल रहा है ठीक है ना पेपर खराब गया फिर भी आप जुड़िए मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार पेपर खराब गया कोई बात नहीं पेपर अच्छा गया तो भी कोई बात नहीं मैं फिर से कह रहा हूँ एकदम फर्क मत डालिए आप एकदम एक, एक चीज बैठा लीजिए कि बस केवल हमें नॉलेज लेना है नॉलेज लेना है नॉलेज लेना है उसके बाद की बातें देखी जाएंगी ठीक है चलिए तेरह अप्रैल 1919 को इसलिए घटना आपकी कौन सी थी चौरी चौरा की घटना थी 1922 में गोरखपुर के पहले एक स्टेशन वहां पर इसी घटना के कारण से असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया असहयोग वा आंदोलन वापस लेने का तात्पर्य क्या था उन्होंने कहा था कि हम भारत हम भारतीय अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करेंगे और यह सहयोग न करते हुए अहिंसा पूर्वक हम आंदोलन करेंगे जिसका प्रभाव अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए मैं फिर उसके बाद आपके कमेंट पढ़ता हूँ कि आप लोगों ने क्या लिखे हैं तब तक आपके पास है जवाब दीजिए जवाब देते रहिए देखिए आप लोग प्रश्नों को देखिए और कौन से प्रश्न आपके मन में बैठे हुए हैं उन पर चर्चा करिए प्लीज चर्चा करिए देखिए आपसे मिलते जुलते प्रश्न है कि नहीं है ठीक है चलिए जब आप सुनिए प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्डो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है जवाब आपके चारों ऑप्शंस में से एक होगा चीन ऑस्ट्रिया या फ्रांस या रिका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए आप सभी का जवाब का मुझे इंतज़ार है क्या बात है भाई सभी कहाँ चले गए हो कहाँ हो आप सभी अफसोस है क्या बात है कहाँ हैं आप लोग मेरी अखियाँ तरस गई आपको देखने के लिए या मैं ही आज बड़ा सुस्त हूँ क्या बात है ठीक है गलत समय पर क्लास लगा दी चलिए कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जवाब सुन लीजिए आप जवाब है इसका ये फ्रांस में स्थित है फ्रांस में यह स्थित है पोर्ट ऑफ मूल में से किस देश में स्थित है यूनेस्को के द्वारा एक साइट है ये ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं उत्तर प्रदेश राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है पहला मेरठ दूसरा चौरी चौरा गंगा घाट या मथुरा जवाब दीजिए आप सभी जवाब दीजिए समस्याएं हैं क्लास बंद कर दी जाए चलिए कोई बात नहीं बड़ी तेजी से चलते हैं अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? चलिए जवाब ले लीजिए बस सीधा सीधा राजकीय स्वतंत्रता जो संग्रहालय है वह है आपका शहीद स्मारक मेरठ में मेरठ में इसलिए क्योंकि मेरठ में क्या हुआ था बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने पहला विद्रोह किया था अठारह था में इस कारण से इसका चलिए नेक्स्ट चलिए पी एम जी ए वाई क्रियान्वयन में 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया किस क्षेत्र में पी एम जी वाई क्या है पहले समझ लीजिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हम जानते हैं कि यह योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधित है क्योंकि इसमें आयुष्मान भारत नाम सुनते होंगे आयुष्मान भारत हर नागरिक को जो बी कार्ड बिलो पोवर्टी लाइन के नीचे आता है उसको यह अधिकार है कि सरकार उसे क्या करेगा क्या करेगा उसे एक कार्ड प्रोवाइड कराएगा ये, उसके तहत उसे लगभग पांच लाख का बीमा स्वास्थ्य बीमा मिलेगा चलिए नेक्स्ट चलिए स्वास्थ्य से संबंधित है ये किससे संबंधित है बेटा स्वास्थ्य से संबंधित है नेक्स्ट चलिए आपका जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में समग्र लिंगानुपात क्या था ध्यान रखिए लिंगानुपात क्या होता है प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या किसी संख्या बेटा महिलाओं की जो संख्या होती है वह आपकी लिंगानुपात कहलाती है चलिए जवाब दीजिए आपका जवाब क्या है जवाब दीजिए कि लिंगानुपात क्या है जनगणना के माध्यम से आप बताइए कि लिंगानुपात क्या है बोलिए भाई आपके प्रश्नों के जवाब के लिए मैं बैठा हूँ जवाब दीजिए आज मेरा मोबाइल ही खराब है कि आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं चलिए जवाब दीजिए भाई जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है नौ सौ बयासी आठ सौ नौ सौ बारह और आठ सौ बारह जवाब दीजिए लिंगानुपात आज भी जो हमारे भारत का लिंगानुपात है उससे कहीं कम है लिंगानुपात जवाब दीजिए प्रति एक हजार प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है आप सभी चलिए जवाब नोट करिए छोड़िए 912 912 क्वेश्चन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आयलो ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है किस तारीख को जवाब दीजिए सात अगस्त एक मई पांच जुलाई बारह जून जवाब नोट करिए जवाब आपका है बारह जून कब है बारह जून बारह जून को बाल निषेध दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा नौ सौ बारह चलिए बायोलॉजी स्टूडेंट आपका सही है नेक्स्ट चलिए कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सीबीआई ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एनएसजी आपका है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन सा है जवाब दीजिए जवाब आपका है एन जो है एन एस जी कमांडो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर द हाईजेकिंग एंड सिमिलर सिक्योरिटी सिचुएशन ऑन एयरक्राफ्ट एंड एयरपोर्ट चलिए नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है पहला प्रयागराज दूसरा वाराणसी है आपका मेरठ और लखीमपुर जवाब दीजिए आपके प्रश्नों के जवाब के लिए हम बैठे हुए हैं प्रश्न का जवाब मिल नहीं नहीं रहा है आप दे नहीं रहे इसलिए मैं स्वयं दे देता हूँ कि राजस्व परिषद का जो गठन है वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में किया गया था राजस्व परिषद का नेक्स्ट आइए हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया जवाब दीजिए श्रीलंका म्यांमार नेपाल और मालदीव जवाब दीजिए अभी हाल ही में सूर्य सूर्य किरण सूर्य किरण जो एक अभ्यास सत्र है अभ्यास सैन्य अभ्यास, अभ्यास सत्र है उसमें भाग लिया था भारत के पड़ोसी देश ने जवाब दीजिए श्रीलंका म्यांमार नेपाल या मालदीप जवाब दीजिए आपका जवाब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं मिला इसलिए आंसर लीजिए नेपाल नेपाल के साथ में अभी हाल ही में नवंबर में हमारा सूर्य किरण अभ्यास किया गया पिथौरागढ़ उत्तराखंड में कहाँ हुआ ये सूर्य किरण आप जान लीजिए पिथौरागढ़ एक प्लेस है कहाँ पर उत्तराखंड में सारा खंड में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जवाब आपके हैं हरिद्वार नई दिल्ली अयोध्या वाराणसी ध्यान रखिएगा यह एक विशेष प्रकार की ट्रेन अमृत भारत की शुरुआत अभी राम जन्मभूमि आपके जवाब इससे जरूर मिल जाएंगे कौन से राम जन्म भूमि राम जन्म भूमि का जो प्लेस है वहाँ से उन्होंने इसको शुरू किया है और यह एक ऐसा स्थान है जहां से जहां से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है नई दिल्ली के लिए जवाब आपका है अयोध्या क्या है अयोध्या अयोध्या से स्टार्ट किया गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप सभी की उदासी मेरे लिए और उदासी बढ़ा देती है कोई बात नहीं है चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया ध्यान रखिएगा तो दूसरा स्थान प्रथम स्थान की बात नहीं कर रहा है प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है वह तेलंगाना को प्राप्त हुआ था और दूसरा स्थान मिला है आपका किसे उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश को दूसरा दूसरा स्थान स्थान ध्यान दीजिएगा यह के हमारे पड़ोसी जिले में अगर देखा जाए तो इलाहाबाद के पड़ोसी जिले हैं कौसाम्बी जिले का कौसाम्बी ब्लॉक है उस कौसाम्बी ब्लॉक में क्या हुआ आपका एबीपी के थ्रू सबसे दूसरा पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है जवाब देख पहले पह है ना। है आपका। के में नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा है ध्यान देखिएगा अभी हाल ही में रशिया और यूक्रेन जो उसका पड़ोसी देश है रशिया जानते हैं वर्चस्वशाली है शीत युद्ध के दौरान में अमेरिका जैसे भीषण से लड़ गया था और बाद में हस्त यह हुआ कि उन्नीस में उसका विखंडन हो गया चलिए इन सब बातों से छोड़कर उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया उसकी राजधानी कीव को बुरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर दिया सबसे खास बात उस दौरान में मैं आपको बता दूं कि एक समस्या उत्पन्न हुई भारतीय उन छात्रों के लिए उन नागरिकों के लिए जो यूक्रेन में जाकर निवास करते थे यूक्रेन और रशिया दोनों ने भारतीय नागरिकों के लिए विशेष बचाव दल का व्यवस्था किया और भारतीय दलों को झंडे लगाकर आगे गाड़ियों के आगे चलने के लिए कहा जिससे कि उनको सम्मान पूर्वक वहां से बाहर निकाला गया यह एक बहुत सम्मान की बात है और उसका जवाब और उसका जवाब है आपका ऑपरेशन गंगा कुलदीप आपका जवाब सही है मैंने बार बार कहा बेटा सौरभ पेपर लीक हो क्या हो उससे हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है हम उस पर चर्चा ना करें हम हम आपको लगेगा सर आप इन सब बातों से क्यों दूर भाग रहे हैं दूर भागने का परिप्रेक्ष्य केवल एक है बेटा लीक होना हमारे लिए दुख प्रदान करेगा हमें परेशानी में डालेगा हमें हतोत्साहित करेगा हमें ये महसूस कराएगा कि हम आगे की परीक्षाओं में प्रतिभाग करें या ना करें मगर मैंने आपसे हमेशा कहा है कठिन रास्ते हमेशा कठिन रास्ते हमेशा एक ऐसे उच्च लक्ष्य की ओर ले जाते हैं जहां तक पहुंचने की शायद व्यक्तिगत कुबत हमारी नहीं होती इसलिए उन पथों पर आने वाले किसी भी प्रकार की जो कठिनाइयां हैं उन पर विशेष ध्यान ना दीजिए ठीक है देखते हैं अभी आने वाले समय में क्या परिपेक्ष आते हैं ठीक है ना अभी भी पहले कुछ भी कहना कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी चलिए कुलदीप आपका जवाब सही है ऑपरेशन गंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और आपका जवाब है निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स 42 समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया जवाब दीजिए यह कौन सा देश है जिसने ब्रिक्स 42 उन्नीस देशों में शामिल होने से अपने आप से क्या कर दिया इनकार कर दिया जवाब दीजिए तेजी से चलते जाएंगे बेटा कोई बात नहीं है जवाब सुन लीजिए आपको जवाब देने की इच्छा नहीं है और जवाब है आपका अर्जेंटीना अर्जेंटीना एक दक्षिण आपका अमेरिकी देश है जिस के बारे में आप सभी जानते हैं कि फुटबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल एक तरीके से है यहाँ सबसे ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है ठीक है ना यह देश ब्रिक्स में शामिल होने से क्या कर दिया इनकार कर दिया ब्रिक्स क्या है बेटा ब्रिक्स एक संगठन है ब्रिक्स क्या है एक संगठन है जहा पर पांच देश पांच ऐसे देश जो अपने आप को विकासशील देश मानते हैं मगर मैं कहता हूं इसमें से दो देश ऐसे हैं जो आज विकसित की कैटेगरी में आते हैं ठीक है ना और वो हैं कौन से बी से है आपका ब्राज़ील आर से है आपका रशिया आई से है आपका इंडिया सी से है चाइना और एस से है आपका साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का पूरा पूर्ण विस्तार आप जान लीजिए बी फॉर ब्राज़ील आर फॉर रशिया इंडिया सी फॉर चाइना और यस फॉर साउथ अफ्रीका चलिए जवाब दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए कुलदीप ठीक है और सभी कहाँ है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए दो हजार सोलह में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था हमने इस पर देखिए कि दोनों प्रश्न कल की पालियों में भी और आज की पालियों में भी ऐसे प्रश्नों को पूछा गया है इन प्रश्नों में ये पूछा गया है से संबंधित क्वेश्चन नोटबंदी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा को चलन में ले आना यह घटना दो के दौरान में ठीक है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी जिसमें 500 और 1000 की नोटों को बंद करके इससे दो गुनी की हजार रुपए की दो गुनी मूल्य की जो नोट है उसे चलन में लाया गया था दो हजार की नोट लाई गई थी चलन में और पाँच सौ और हजार की नोटों को क्या कर दिया गया था बंद कर दिया गया था ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा तो जवाब आपका कौन सा है पांच सौ और हजार अर्थात ऑप्शन कौन सा हो गया आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है इससे देखिए क्या है प्रश्नों को अगर आपने देखा तो एक ही प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न है वो दोनों एक दूसरे को जोड़ रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है समझिए बात को कि कल पूछा था साइबर अपराध के बारे में कि साइबर अपराध का जो डायल नंबर है जो आपका फ्री डायल नंबर है वो क्या है और आज पूछ रहा है कि इसका मुख्यालय कहा है तो जवाब आप जान लीजिए साइबर क्राइम का जो मुख्यालय है वो कहां लोकेटेड है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। जीएसटी का तात्पर्य क्या है फिर मैंने कहा कल इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी क्या है जीएसटी क्या है चलिए बायोलॉजी स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है और कुलदीप आपका सही जवाब आ रहे हैं सभी तीनों लगातार पांचों जवाब आपके सही हैं चलिए कोई बात नहीं है जुड़ते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जीएसटी का तात्पर्य क्या है जीएसटी क्या है सरकारी बिक्री कर सरकारी सेवा कर वस्तु एवं सेवा कर माल और बिक्री कर ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था जीएसटी के बारे में वस्तु एवं सेवा कर इसका पूर्ण विस्तार होता है ई का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स ई एस टी गुड्स मतलब होता है वस्तु एस का मतलब होता है सर्विस सेवा और टी4 होता है टैक्स कर ठीक है ना वस्तु तो एवं सेवा कर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी आप भी प्रकार से प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई महोत्सव में भाग लिया जो जो संत मीराबाई की 558वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था ध्यान दीजिएगा मीराबाई वो वह एक महिला है जिनके बारे में कहा जाता है कि यह कृष्ण की अनन्य भक्त थी और यह राजपूता राजपूताना घराने से संबंधित थी और इतनी ज्यादा भक्तिमय इनकी क्रिया शैली थी कि यह अपने आप को श्री कृष्ण की पत्नी अपने मानती थी प्रियसी मानती थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ध्यान दीजिए इसका कार्यक्रम जन्मोत्सव कार्यक्रम कहाँ हुआ था जवाब दीजिए आप लोग मथुरा कुर्की द्वारिका ऋषिकेश ध्यान दीजिएगा मैंने हमेशा से कहा है कि कृष्ण से संबंधित ये दोनों प्लेस नहीं है मगर ये दोनों है मगर इसमें से द्वारिका और मथुरा में भी आपका जवाब जो है वो कौन सा है मथुरा मथुरा में यह जन्मोत्सव मनाया गया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए चौबीस क्वेश्चन चलिए निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है ध्यान दीजिएगा फिलीपींस की राजधानी है जवाब सभी दीजिए कुलदीप मथुरा ठीक है सही है जवाब सही है कुलदीप आपका फिलीपींस की राजधानी क्या है बेटा ध्यान रखिएगा थाईलैंड की राजधानी क्या है बैंकॉक मलेशिया की राजधानी क्या है कोलालमपुर। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी अब थोड़ा सा और बढ़ गई है ध्यान रखिएगा प्रस्तावित है आपका कौन नुसंतारा नुसंतारा जो है वो क्या है इंडोनेशिया uh, की राजधानी है अर्थात हमने जिस भी चर्चा नहीं की वो कौन है मनीला इसलिए मनीला क्या है इसकी राजधानी है फिलीपींस की राजधानी है और आपका जवाब है मनीला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है किस तारीख को ये ये नहीं लगाना है भाई बराबर किस दिवस को मनाना है किस दिवस को मनाना है एकता दिवस को मनाना है आप सबको पता है कि यह दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस इसके उपलक्ष्य मनाया जाता है बर्थ डे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है इसलिए इसका जवाब आपका होगा कौन 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को हम सभी क्या करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं चलिए चलिए जवाब आइए इकतीस अक्टूबर नेक्ष्ट कोशन, नेक्ष्ट कोशन, आप एकदम उबिए नहीं आप परेशान ना होइए इन प्रश्नों के पश्चात मैं किसी भी प्रकार से आज की डेट में आपको परेशान नहीं करूंगा मुझे लगता है कि आज बच्चे थके हुए हैं आज बच्चे थोड़े से परेशान हैं, दुविधा में हैं। कि कुछ नहीं करेंगे कुछ पढ़ेंगे भी नहीं जब ऐसा ही होना है तो पढ़ने से क्या फ़ायदा ऐसे बहुत सारे सवालत ऐसे बहुत सारे बात आपके दिमाग में आ रहे होंगे और मैं उनका सम्मान करता हूँ आज की डेट में तो करता ही करता हूँ कल की डेट में जब आपका दिमाग थोड़ा सा शांत होगा तो हम आपसे बात करेंगे संवाद करेंगे और आपसे बात करने के दौरान में आपके उन समस्याओं का समाधान करेंगे कि हार यही नहीं है हार यही नहीं है जो हमें यहीं रोक दे इतनी औकात तो इसकी है नहीं ठीक है ना हम जुड़े हैं करने वाले हैं तो करते रहेंगे इतनी छोटी सी बात हमें परेशान नहीं करेगी नेक्स्ट चलिए निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है मैं बार बार कल भी कहा परसों लगातार इसके प्रश्नों को मैं हल कर रहा हूँ आपसे बता रहा हूँ कि उपन्यास का सम्राट कहा जाता है मिस्टर धनपत राय जी को हरिवंश राय बच्चन माखनलाल चतुर्वेदी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मुंशी प्रेमचंद किसे कहा जाता है धनपत राय जी को और धनपत राय किसका उपनाम है मुंशी प्रेमचंद का नाम है और इन्हें उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है आपको बता दूं कि गोदान उर्मिला नमक का दरोगा जैसी उपन्यासों के लिए ये फेमस है बड़े ही फेमस है ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आए हैं मैं उनकी चर्चा करने के पश्चात आपसे मैं किसी भी प्रकार का कोई बोझ आपके मन पे नहीं डालूंगा आज आप रिलैक्स होकर थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपने आप को संभालें और किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लीक होने पर किसी भी प्रकार का ऐसा और घटनाओं पर आप विशेष ध्यान न देते हुए पढ़ाई पे ध्यान देंगे आपके संघर्षों का दौर केवल आज ही नहीं शुरू हुआ है ना ही आज ही हुआ है मैं फिर से कह रहा हूं लगातार लगे रहिए डटे रहिए और आपके लगे रहना डटे रहना ही आपको आगे की ओर ले जाएगा आप ही सोचिए छोटी सी एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए कि क्या आपके द्वारा इतना कम रिस्पांस देने के पश्चात भी सर किस मुंह से चले आते हैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जाती है उसके बावजूद भी मैं अपना काम छोड़ता हूं नहीं छोड़ता ना आप सीख लीजिए इस बात को लेकर डटे हुए हैं अड़ियल हैं, जिद्दी हैं आप क्यों नहीं बनते अड़ियल और जिद्दी अपनी पढ़ाई के प्रति मगर आपका मन क्या है उन चीजों पर लग जाता है जो आपको रोकने के लिए अवरोधक हैं। अफसोस होता है इस बात को लेकर बात समझ रहे हम किसी भी चीज को इतना अवरोधक बना क्यों रहे हैं हमसे मतलब क्या है ठीक है लिख होगा कोई बात नहीं है नेक्स्ट टाइम परीक्षा देंगे समझ रहे अच्छा है मौका मिल गया दो महीने का समय मिला था नहीं मिला था ठीक है और नहीं लिख हुआ है तो आगे और परीक्षाएं आएंगी उनमें हम प्रतिभाग करेंगे अफसोस नहीं होना चाहिए बेटा मैंने बार बार कहा है आपसे कि अफसोस नहीं करिए और उन बातों पर जो हमारे बस में है चलिए बस दो चार और क्वेश्चन शायद होंगे उनके बाद हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे हाल ही में चिराग चंद शेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया दो तेईस में ध्यान रखिएगा क्रिकेट से संबंधित थे बैडमिंटन से संबंधित तीरंदाजी और कुश्ती से संबंधित थे जवाब आना शुरू हो गए कुलदीप आपका जवाब सही है और जवाब है चिराग सेट्ठी जो श्री जी हैं वो आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं कहाँ से संबंधित हैं बैडमिंटन से संबंधित है और आपका जवाब है बैडमिंटन ठीक है ना बैडमिंटन चलिए वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं आपका चंद्रयान तीन के लैंडर का नाम क्या था मैंने उस दिन आपको बताया था कि लैंडर रोवर और लैंडर और रोवर में अंतर क्या होता है मैंने कहा था कि वह छोटा सा भाग जो किसी भी जो सूचना तकनीकी के जो उपग्रह गए हैं उस उपग्रह से बाहर निकलकर जो लैंड करता है उसे लैंडर कहते हैं और लैंडर से जो बाहर निकलकर जो सर्वेक्षण अन्वेषण करता है उसे हम रोवर कहते हैं ठीक है ना जो उसकी धरातल पे चलता है ठीक है ध्यान रखिएगा चंद्रयान तीन के लैंडर का नाम क्या था विज्ञान प्रज्ञान आदित्य और विक्रम ध्यान रखिएगा जवाब दीजिए आप सही से जवाब दीजिए कुलदीप जवाब दीजिए आप सभी के जवाब के लिए मैं यहां बैठा हूं जवाब दीजिए लैंडर के जवाब दीजिए ध्यान से दीजिएगा चंद्रयान तीन की बात की जा रही है ठीक है जवाब आपको मैं ही दे देता हूं डी ऑप्शन विक्रम जो लैंडर है वो चंद्रयान तीन के दौरान में था प्रज्ञान द्वितीय तिथि में था किंतु वह थोड़ा सा बात किया जाए असफलता के कारण से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाया तो आज चंद्रयान तीन के लिए जो लैंडर है वो कौन सा है विक्रम है नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आपका है हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी आई आईआईसीसी यशोभूमि का उद्घाटन किया ध्यान रखिएगा यह यह एक प्रकार की सम्मेलन की बात की जा रही है आईआईसीसी यशोभूमि का उद्घाटन किया ध्यान रखिएगा ये बात की जा रही है आईआईसीसी प्रदर्शनी यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया है मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शन बताता हूँ वाराणसी फरीदाबाद नई दिल्ली और चंडीगढ़ उन ऑप्शनों में से इन ऑप्शनों में से जो सही जवाब है वो कौन सा है आपका कौन सा है नई दिल्ली सेक्टर 25 में इसकी बैठक की गई थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्रपति पुलिस वीरता सम्मान पुरस्कार महावीर चक्र पद्मश्री परमवीर चक्र ध्यान रखिएगा एलिमिनेशन शुरू करिए मैंने हमेशा बताया यह एक सिविलियन अवार्ड है इसलिए खत्म बाजार महावीर चक्र और परमवीर चक्र बात सेना का है इसलिए खत्म बाजार पुलिस का यही है तो इसलिए जवाब आपका कौन सा होगा राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार जो है पुलिस का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था नाम बदलकर उसका क्या कर दिया गया है मेटा बिंग आरकुट या ट्विटर ध्यान रखिएगा और कुट खत्म हो चुका है आज किसी भी प्रकार से नहीं कार्य करता है बिंग एक प्रकार का सर्चिंग इंजन है ट्विटर आज बदलकर क्या हो गया है एक्स हो चुका है तो आपका तीनों का ऑप्शन नहीं मिला तो चौथा ऑप्शन एलिमिनेट करने के पश्चात आपका मेटा मिला और आपका जवाब है मेटा ठीक है ना ध्यान रखिएगा व्हाट्सअप इंस्टाग्राम और फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम और फेसबुक ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वह है एक ही एक कंपनी के अंतर्गत चलते हैं मेटा के तहत और जिनके मालिक हैं फाउंडर हैं आपके कौन मिस्टर मार्क जुकरबर्ग कौन है मार्क जुकरबर्ग चलिए करिए क्वेश्चन आपका शायद खत्म हो चुका मैंने पहले ही बताया कितने प्रश्न आ रहे हैं मैं फिर से कह रहा हूं आपसे अपेक्षा करता हूं मैं आपसे अपेक्षा करता हूं फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए मैं आज आपकी व्याकुलता पर नाराज नहीं हूँ कि आप क्लास में नहीं आए आज उदास हैं ऐसी कोई बात नहीं है मैंने फिर से कहा है आपसे कि इस पहलुओं पर ध्यान न देते हुए केवल के और केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए उसके अतिरिक्त कुछ भी ध्यान मत दीजिएगा ठीक है ना सकारात्मकता ढूंढिए हर कार्य में सकारात्मकता ढूंढने वाला व्यक्ति ही कहते हैं कि रेगिस्तान में पानी की भी खोज कर लेता है ठीक है ना हम आपके साथ जुड़े हुए हैं हम आपके साथ जुड़े हुए हैं लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है तो किसी भी प्रकार के हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है जो होगा जो ईश्वर चाहेगा वो अच्छा ही होगा इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की कोई समस्या से परे होते हुए रिलैक्स होकर तैयारी करें ठीक है ना इस प्रश्न पत्रों के अलावा इस पर बात करने के लिए हमारे बीच में आठ बजे से लगातार आपके साथ जुड़े रहने आएंगे विपुल सर विपुल मैथ्स चैनल पर मैथ के प्रश्नों के साथ में और उन समस्याओं पर बात करने के लिए जिन समस्याओं से आप इस समय व्यथित हैं आपकी व्यथा समझने के लिए मैं आपके साथ हूं मगर आज नहीं कल क्योंकि आज आपका दिमाग थोड़ा सा कहीं न कहीं व्यथित है ठीक है ना ध्यान दीजिएगा पेपर लीक एक महत्वपूर्ण समस्या है छात्रों के जीवन से संबंधित है ठीक है ना चलिए इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हम आठ बजे एक साथ में इकट्ठा होंगे और विपुल सर के साथ में इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या हो रहा है क्या यह सही है हमारे बीचों बच्चों के साथ में कि नहीं जो बच्चे रात रात जाकर सेंटर दूर दूर गए हैं वो रात रात जाके करों पे लेटे हुए थे ठिठुर ठुठुर के सवेरे इंतजार किया है ठीक है कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है हमेशा से हमने कहा है आप कड़ाई से अपने विषय पे लगे रहिए आगे क्या होगा ईश्वर देखेंगे ठीक है ना हम भी देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है चलिए इसी साथ में आप सभी से विदा लेते हैं नमस्कार शुभ रात्रि आठ बजे इकट्ठा होंगे हम फिर से इसी बात को लेकर चर्चा करने के लिए कि पेपर लीक हुआ क्या नहीं हुआ इसका क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा हमारे बच्चों पर क्या आगे की रणनीति होगी इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हम आठ बजे फिर से एक साथ आने वाले हैं आपका इसी चैनल पर ठीक है फिर से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए आपकी समस्या हमारी समस्या ठीक है रात्रि के आठ बजे फिर से मिलते हैं इसी के साथ गुड नाइट शुभरात्रि सबा खैर